डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सर्वहित पुस्तकालय एवं महिला प्रशिक्षण केंद्र और बाल गृह बालक सूरजकुंड में बच्चों को BR अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ अहम पहलू से रूबरू कराया गया। GC शर्मा सेवर निवृत्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कैसे बाबा साहब ने जातिवाद को खत्म किया है। वह उस समय एक ऐसे महारथी थे जिन्होंने आर्थिक संकट के चलते विदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटी से विभिन्न डिग्रियां हासिल कर इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त की कि आज तक वह देश में अमर है। देखिए, ये बाबा साहब अंबेडकर जी जो है, ये एक ऐसे दलित परिवार में जन्म लिया। उस जमाने में समाज में काफी विष घुला हुआ था, इतनी सारी कुप्रथाएं थी कि हीन भावना से, हे दृष्टि से निम्न जाति को देखा जाता था। ये महार जाति के थे। इंदौर के पास एक जगह है महू, वहाँ इनका जन्म हुआ। इनके पापा मिलिट्री में, उस जमाने की अंग्रेज की सेना में, ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। इस दौरान राष्ट्रीय कवि डॉक्टर गंभीर ने भी बच्चों को बाबा साहेब की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में बताया, साथ ही बताया कि वह देश को क्या संदेश देकर गए हैं। जो भी शिक्षाविद थे, कानूनविद थे बाबा, और बाबा पिछड़ों के लिए लड़े, दलितों के लिए लड़े, समरसता समानता चाहते थे देश में। ये छुआछूत, ये ऊंच नीच समाप्त हो, उनके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। 132वां जन्मदिन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मनाया जा रहा है। और बच्चों को देख के मुझे चार पंक्ति याद आती है शर्मा जी की, रिमझिम बरसने वाला सावन तलाशता हूँ, रिमझिम बरसने वाला सावन तलाशता हूँ, पनघट पे हंसने वाला यौवन तलाशता हूँ, वो गांव खेत नदिया बागों में पाठशाला, पगडंडियों पे अपना बचपन तलाशता हूँ, बचपन तलाशता हूँ। पर्यावरणविद अध्यक्षा सर्वहित संस्था डॉक्टर मधु वर्ष ने इस दौरान यह जानकारी दी। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे मिशन स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और 2018 में माननीय योगी जी ने मुझे गंगा हरितिमा सम्मान दिया था। बहुत सारी जेलों में हमारा काम चल रहा है। मेरठ की जेल में हमारा सिलाई केंद्र है। अभी हाल ही में हमने बाल गृह बालक, जहां आज आप लोग मौजूद हैं, यहां हमने गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण केंद्र, हर तरह के महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है यहाँ पर हम लोगों ने। तो अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे हैं, जैसे मैं देख पा रही हूँ, तो कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? जैसे कि आपको पता होगा, कभी स्टेशन पर कहीं कोई बच्चा छूट गया या किसी ने छोटा सा बच्चा छोड़ दिया कहीं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है या गलती से छूट गया, उस बच्चे को यहाँ लाया जाता है। बेसिकली अनाथ आश्रम से नहीं लाया गया? नहीं नहीं, अनाथ आश्रम का ही एक रूप है। यहाँ सारे अनाथ बच्चे ही रहते हैं। आज बाबा साहेब की जयंती पर हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम किया, और मैं धन्यवाद दूंगी रवि जी का और उनकी टीम का कि आप लोगों ने यहाँ आके हमें कृतार्थ किया और हमारे सेंटर को देखा। ये एक ऐसी पहल है बिना शासकीय मदद के, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में भी मेरा जिक्र मेरे कामों का किया, पर्यावरण का किया, क्योंकि बेसिकली आई एम एनवायरमेंटलिस्ट, तो मैं एनवायरमेंट पर ही काम करती थी, लेकिन बेटियां और महिलाएं पर्यावरण का ही भाग है, इसलिए हम इन लोगों के लिए काम कर। तो कितने फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।